जाम लगा दिया और कई घंटे तक सड़क पर जाम लगाकर रखा। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से गुस्साए किसानों से बात की गई, जाम खुलवाया गया। इसको लेकर हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह ने मामले पर पिहोवा के एसडीएम से बातचीत की है। उन्होंने खरीद को ना लेकर जाम लगाया हुआ था। सही किसानों ने लगभग दो घंटे से यहाँ पे जो पिहोवा का मुख्य चौक है जाम किया हुआ था। पिहोवा एसडीएम सोनू राम जी उनसे जानेंगे कि जो आज जाम लगाया था क्यों लगाया गया था और किस बोला गया था। पैसे संतुष्ट नहीं थे चार, और सुबह जो बरसात हुई है उसके बाद भी उनकी फसल काफ़ी डैमेज हुआ, इस वजह से वो चाह रहे थे कि उनकी फसल का उठान जल्दी से जल्दी और ज़्यादा खरीद। और दूसरी उनकी मांग ये भी थी कि से 25 क्विंटल सीमा निर्धारित की गई है पोर्टल पर, एक किसान से जो प्रति एकड़ खरीदा जाएगा उसको भी बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने डिमांड सामने रखी। किसानों से बातचीत हुई, सहमति बन गई है, सबने सहयोग किया और अब जो है जाम की स्थिति रिजॉल्व हो चुकी है। तो कौन कौन सी सरकारी एजेंसियाँ जो खरीदारी कर रही हैं लगभग अब तक फूड सप्लाई हमारी और हैफेड, ये दो एजेंसियां खरीद कर रही हैं। आज के दिन में करीब 1000 क्विंटल खरीद हो चुकी है और बाकी इसका जो है शाम को हम इसकी ताज़ा आंकड़े जारी करते हैं। एक सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से मंडी भी भरी पड़ी है, शेड के नीचे भी काफ़ी संख्या में धान आ चुका है और बाहर भी शहरों के अंदर भी गिरे खुले में पड़ा है, तो किसान कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई जाम नहीं किया गया और हमारा धान बिक रहा है। जो मंडियों में धान शेड्यूल से पहले लाना शुरू कर दिया, सरकार का ये था कि जिनका शेड्यूल हो और इस बार शेड्यूल करने की जो अनुमति जो होना था शेड्यूल का कार्य वो भी किसान को खुद ही करना था, तो वो शेड्यूलिंग किसानों ने उनके आड़तियों ने की उस हिसाब से लेके आना था। लेकिन क्योंकि आवक एकदम से बहुत हो गई है तो उसमें समस्याएं कुछ आ रही हैं, लेकिन हम सुबह भी हमने विजिट किया था जब 4:30 बजे बारिश आई थी तब भी हर जगह हमने हमारे साथ जिन्होंने बताया कि कुछ ऐसी समस्याएं आ रही।